हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आए हैं। ये है भाई AX7 ब्लेंजा एडिशन करके जो है ये वेरिएंट आया है। अभी महिंद्रा ने कुछ ही टाइम पहले जो है ये लॉन्च किया है और ये डीजल ऑटोमेटिक है, 7 सीटर में ये आती है। पहले इसमें डार्क ब्लू कलर का आता था, अब जो है महिंद्रा ने इसमें जो है ब्लैक कलर का जो है वो कलर निकाल दिया है। इसमें ये प्रॉपर जो है ये ब्लैक कलर है, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर नहीं है। ब्लू कलर वहां साइड में खड़ी है, ये ब्लैक कलर में ही है। और इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया है महिंद्रा ने, जैसे अलॉय है इसके ब्लैक कर दिए, फ्रंट की ग्रिल ब्लैक कर दी है। तो इस वीडियो में इस गाड़ी की ना पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में आपको जो है इसमें DRL मिल जाएंगी ऐसे ही शेप में, और LED इसमें हेडलाइट मिल जाएंगी आपको, नीचे आपको फोग लैंप भी मिल जाएंगे। फ्रंट की ग्रिल की बात करें तो पियानो ब्लैक में इसकी जो है फ्रंट ग्रिल दी गई है, उसमें बीच में जो है महिंद्रा का लोगो है, नीचे जो है डार्क ग्रे कलर की इसमें जो है स्किड प्लेट दी गई है। बाकी जो है इसका फ्रंट का लुक जो है क्रोम और लाइट अलग से दिख रही है, बाकी जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा जो है इसमें ब्लैक दिया गया है। साइड में बात करें तो साइड में है ना पतली सी जो क्लाइडिंग दी गई है आगे से लेके पूरी पीछे तक है, नीचे डोर पे भी है। और अलॉय साइज की बात करें तो 18 इंच के इसमें अलॉय आते हैं, ब्लैक कलर के हैं, पियानो ब्लैक में ये दिए गए हैं। अपोलो का टायर है, टायर साइज है 235/60R, 18 इंची में इसमें जो है इसके टायर आते हैं। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो इसमें 200mm की आपको ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाएगी। साइड मिरर में जो है आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर इसमें साइड मिरर में दिया गया है, ये भी बॉडी कलर में दिया गया है। फ्लश डोर इसमें आपको जो है हैंडल मिल जाएंगे। साइड की बिल्डिंग जो है वो आपको नॉर्मल ब्लैक कलर की मिलेगी। इसमें पैनारोमिक सनरूफ आती है ऊपर, और ब्लैक कलर की इसमें जो है रूफ रेल दी गई है। ऊपर पीछे जो है शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। गाड़ी की आप लुक देख सकते हैं, महिंद्रा की ये सबसे लग्जरी गाड़ी है। अगर कोई भाई ऑडी और मर्सिडीज BMW का जो है फील लेना चाहता है तो वो महिंद्रा की ये गाड़ी ले सकता है। उनके आधे से आधे रेट में जो है ये आ जाती है गाड़ी, जो है 25 लाख 26 लाख में आपको पूरे जो है ऑडी मर्सिडीज के जो है वो फीचर कंपनी जो है इसमें देती है आपको। और गाड़ी आप देख सकते हैं काफी प्यारी लगती है, जो गाड़ी की लुक है। साइड लुक भी आप देख सकते हैं, साइड लुक भी भाई बहुत बढ़िया है इसकी गाड़ी की। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है इसकी DRL जलती हैं, और LED में जो है इसके हेडलैम्प दिए गए हैं, प्रोजेक्टर नहीं है, LED लाइट दे रखी है इसमें। नीचे आपको फोग लैम्प दे रखी है, और पीछे मैं टेल लाइट और दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है इसकी पीछे की जो है टेल लाइट जलती है। पीछे आपको डिफोगर मिल जाएगा, पीछे वाइपर मिल जाएगा, स्टॉप लैम्प यहाँ पे दिया गया है, बड़ा सा स्पॉइलर है, पीछे शार्क फिन एंटीना भी दे रखा है। रिवर्स कैमरा मिल जाएगा आपको इसमें, यहाँ पे दो आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, नीचे रिफ्लेक्टर है, और रिफ्लेक्टर के ऊपर भी पियानो ब्लैक का इस तरीके से डिजाइन दे रखा है। यहाँ पे बड़ी सी जो है इसमें स्किड प्लेट दे रखी है डार्क ग्रे कलर की। XUV 700 यहाँ पीछे क्रोम में लिखा गया है, AX7 है तो AX7 की यहाँ बैजिंग दी गई है। लोगों के जस्ट नीचे बटन दिया गया है, आप जैसे इसको दबाओगे तो इसका जो है बूट ओपन हो जाएगा। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 240 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। यहाँ पे इसकी टूल किट वगैरह है, अगर आपको स्टेपनी निकालनी है तो आप यहाँ पे लगा के और निकाल सकते हैं। स्टेपनी जो है इसकी यहाँ पे नीचे की तरफ दी गई है, ऊपर की तरफ ये नजर आ रही होगी आपको। बाकी ये सीट जो है इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, आप कितना ही सामान अपना आराम से रख सकते हो। पीछे आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे दोनों साइड, 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट दिया गया है। पीछे भी आपको AC मिल जाएंगे, यहाँ से आप पीछे का जो है AC ऑन कर सकते हैं। ऊपर 2 आपको ग्रैब हैंडल दे रखे हैं। इस तरीके से जो है इसका बूट स्पेस रहने वाला है। इस तरीके से इसका पीछे का लुक है, साइड का लुक इस तरीके से है। बाकी इसके डीजल टैंक की बात करें तो लेफ्ट साइड में इसका फ्यूल टैंक है, यहाँ से आप डीजल डालेंगे, डीजल है तो यहाँ पे इसमें यूरिया डलेगा। तो अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर से मैं आपको इसके फीचर बता देता हूँ गाड़ी के अंदर कैसे मिलेंगे। इस तरीके से जो है इसमें की मिल जाती है इसकी, इसमें दोनों चाबियों में जो है लॉक अनलॉक और बूट ओपन का जो है वो इसमें बटन दिया गया है। जैसे ही आप गाड़ी ओपन करेंगे तो इसके जो फ्लश डोर हैंडल है ये बाहर को नहीं निकलेंगे। अगर आप लग्जरी वेरियंट लेते हैं तो उसमें अनलॉक करते ही जो है ये हैंडल निकल जाते हैं। अगर आपको ये डोर खोलना है तो आपको यहाँ पे दबाना पड़ेगा, उसके बाद खुलेंगे। तो जैसे ही आपकी डोर खुलेगी, डोर खोलते ही आपको जो है चारों पावर विंडो के स्विच मिलेंगे, लॉक अनलॉक का बटन मिलेगा, यहाँ से साइड मिरर जो है आप यहाँ से अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं, और अंदर से इलेक्ट्रॉनिक फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये व्हाइट कलर का जो है अलग से पार्ट दिया गया है, क्रोम में इसका जो है ग्रे कलर में इसका हैंडल है। यहाँ पे जो है इसकी ड्राइवर सीट जो है इलेक्ट्रिकल मिल जाती है, यहाँ से आप जो अपनी सीट को आगे पीछे जो भी है मेमोरी सीट दे रखी है आप यहाँ से अपने हिसाब से जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक हैंडल दिया गया आपको पियानो ब्लैक में, नीचे आपकी 1 लीटर की बोतल आ जाएगी, और यहाँ पे आप कुछ सामान भी रख सकते हो। डोर पे भी आपको रेड कलर की लाइट दिखाई दे रही है, रेड कलर की लाइट मिलेगी आपको। जैसे ही आप डोर खोलेंगे तो इसमें पीछे वाले को पता लग जाएगा कि डोर ओपन है। बाकी सीट जो है इसकी व्हाइट कलर की लेदर की सीट दी गई है। गाड़ी के अंदर चलते हैं, रिवर्स कैमरे की आप क्वालिटी देख सकते हैं। इसमें जो है रिवर्स कैमरा ही आएगा आपका, फ्रंट कैमरा वगैरह आपको कुछ भी नहीं दे रखा है। अगर आप लग्जरी वेरियंट लेते हो तो उसमें जो है आपको 360 कैमरा मिलेगा। ये है इसकी कैमरे की क्वालिटी,
क्वालिटी। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिलेगा, लेदर रैप के साथ आता है, बीच में महिंद्रा का लोगो है, यहाँ पे ग्रे और ब्लैक पियानो ब्लैक का ये डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाएंगे, यहाँ पे आपके म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाएंगे। म्यूजिक स्क्रीन की बात करें 10.25 इंच की मिलेगी। ये इस तरीके से जो है इसमें डिजिटल इसका MID मिल जाता है आपको, यहाँ पे जो है इसका RPM मीटर है, यहाँ पे इसका जो है स्पीडोमीटर है, और यहाँ से जो है आप MID को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको TPMS वगैरह इस तरीके से जो है सेटिंग, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो वगैरह, फ्यूल इन्फो वगैरह, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन वगैरह आप यहीं से इसमें चला सकते हैं। बाकी फ्यूल में बात कर लेते हैं तो एवरेज कितने की शो कर रही है, अभी 9.9 की शो कर रही है ये। राइट साइड में ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल मिलेंगे, लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे, पुश बटन स्टार्ट मिलेगा ये आपको। ये जितना भी पार्ट है ये सारा जो है लेदर में मिलेगा आपको, यहाँ पे जो है हार्ड प्लास्टिक है। बाकी इसमें आपको 4 स्पीकर और 2 आपको ट्विटर मिल जाते हैं इस वाले वेरिएंट में। यहाँ राइट साइड में अट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, हिल डिसेंट कंट्रोल का है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है, यहाँ से आप हेडलाइट को जो है एडजस्ट कर सकते हो। एसी वेंट के चारों तरफ आपको जो है क्रोम का डिजाइन दिया गया है। इसका जो है इंटीरियर जो है काफी जो है लग्जरी फील कराने वाला है। बैक व्यू मिरर की बात करें तो आपको नॉर्मल मिलेगा। टिकट होल्डर के यहाँ पे आपको जो है सनवाइजर नॉर्मल मिलेगा, लेफ्ट वाले सनवाइजर में आपको जो है मिरर दे रखा है, और जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इसमें कोई लाइट वाइट नहीं दे रखी। यहाँ पे आपके सनग्लास होल्डर मिल जाएंगे, सनरूफ मिल जाएगी। सनरूफ आपको ओपन करनी है तो यहाँ पे ऐसे आप ओपन कर सकते हैं, सनरूफ जो है वो ओपन हो जाएगी इस तरीके से। बाकी आप जैसे ही वन टच करेंगे तो ये जो है सनरूफ आपकी जो है वो बंद हो जाएगी, कर्टन भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है 2 लाइट दी गई है इस तरीके से, फोकस लाइट दे रखी है LED में। ऑटोमेटिक इसमें AC मिलेगा, ड्यूल जोन जो है इसमें आपको AC मिलता है। रेयर में AC चलाना है तो आप यहाँ पे बटन दबाएंगे तो वो आपका चालू हो जाएगा। मैक्स AC का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपके ड्राइव मोड दे रखे हैं, जैसे ही आप इसको बटन को दबाओगे 4 मिलेंगे, जिप, जैप, जूम और कस्टम, आप अपने हिसाब से जो है इसको ड्राइव मोड कर सकते हो। यहाँ पे जो रेयर डिफोगर है उनके बटन दे रखे हैं, हैजर्ड लाइट का बटन दे रखा है। इसमें आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, नीचे की तरफ आपको 2 USB पोर्ट दे रखे हैं। बाकी नॉर्मल हैंडब्रेक मिलेगा, ऑटोमेटिक इसका गियर लीवर, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, यहाँ से आप जो है म्यूजिक को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बीच में कप होल्डर दिया गया है, जितना भी बीच का एक कंसोल है ये पियानो ब्लैक में दिया गया है आपको। बाकी आर्मरेस्ट है जो ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा और ये ऐसे स्लाइडिंग में मिलेगा, और इसमें थोड़ा सा आपको स्पेस दिया गया रखने के लिए, यहाँ पे आप अपनी जो है की वगैरह रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स की बात करें तो आप जैसे इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से जो इसका ग्लव बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे भी स्पेस है सामान रखने के लिए, और ये भी काफी बड़ा है और ये कूल रहने वाला है आपका। अभी पीछे वाली सीट पे चलते हैं और पीछे वाली सीट पे आपको दिखाता हूँ। पीछे की सीट आपको जो है 60-40 मिलेगी। यहाँ पे जो है आपको हैंडल दिया गया है, आप इस सीट को जो है वो रिक्लाइन भी कर सकते हैं। पीछे वाली डोर में यहाँ पे आपको जो है पावर विंडो का स्विच दे रखा है। ये जितना भी पार्ट है ये सारा जो है पियानो ब्लैक में दिया गया है, ग्रे कलर में इसका हैंडल है। नीचे पीछे भी आपको 1 लीटर की बोतल मिल जाएगी, यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर जाएंगे दोनों फ्रंट सीट के पीछे जो है आपको यहाँ पॉकेट दी गई है। बाकी ये सीट अगर आपको आगे करनी है तो ये हैंडल दे रखा है, आप इसको ऐसे करके और आगे रिक्लाइन करेंगे तो ये रिक्लाइन हो जाएगी। पीछे भी आपको AC वेंट दिए गए हैं और इसके भी चारों तरफ आपको जो है क्रोम का डिजाइन दिया गया है। पीछे आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह अपना रख सकते हैं। लगभग फ्लैट ही इसका जो है वो नीचे का फ्लोर दिया गया है, ऊपर यहाँ पे दोनों साइड आपको जो है LED लाइट दे रखी है, दोनों साइड आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे, बीच में आर्मरेस्ट मिल जाएगा। बाकी ये जो सीट है आप थोड़ी सी जो है इसको रिक्लाइन कर सकते हो अपने बैक सपोर्ट को। बाकी हेडरूम आप देख सकते हो, हेडरूम बढ़िया है। बाकी लेग रूम जो है लेग रूम भी काफी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अंदर से कुछ गाड़ी का इस तरीके से लुक है, और पीछे से आप फ्रंट का लुक देखेंगे तो इस तरीके से दिखता है। अभी बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसमें जो है इंजन आपको 2.2 लीटर का MOK इंजन मिलता है, जो आपको 184 BHP की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगा। बात करें इसके प्राइस की तो 21.5 लाख रुपए जो है इसका एक शोरूम होने वाला है, और ऑन रोड जो है ये गाड़ी आपको 25 लाख की हरियाणा रजिस्ट्रेशन के साथ पड़ेगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।